को न दे तू सजा। तो कैसे हो भाई लोग, तो आओ यार आज सीखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे बनाना है जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा। तो यार इस वीडियो को बनाने के लिए काइन मास्टर ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पे 9.16 वाला फ्रेम आपको सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक वीडियो ऐड करना है जो कि आपका होना चाहिए और आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कुछ इस तरह से कर लेना है जैसा कि मेरा वीडियो ऐसा, सेम टू सेम ज़रूरी नहीं है लेकिन आप अपने हिसाब से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा है मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ब्लैक कलर के कपड़े में और बैकग्राउंड में एक भी आपको ट्री नहीं दिख रहा होगा, ट्री बोले तो पेड़ नहीं दिख रहा है बैकग्राउंड में पूरा। आपको रोड पे वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, बैकग्राउंड में कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए और जितना ज़्यादा आसमान दिखेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, आपका वीडियो उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतना ज़्यादा सही परफेक्ट हाइड होएगा बैकग्राउंड आपका। तो कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है मोबाइल को ज़मीन पर टिकाते हुए और यहाँ पे आपको वो पोजीशन सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको वीडियो में हाइड करना है बैकग्राउंड, वो वाला पोजीशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मेरे को हाइड करना है तो इतना मैं क्या करूँगा, कैंची वाले सीजर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर स्प्लिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये हो जाएगा दो पार्ट में। दो पार्ट में होने के बाद ये जो दूसरा वाला पार्ट आप देख रहे हो, दूसरा वाला पार्ट जो हमको दिख रहा है हमने वीडियो को कर लिया है दो पार्ट में, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस पर हम कर देंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर करना है क्लिक और यहाँ पर कर देना है डुप्लीकेट एज लेयर। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका एक डुप्लीकेट लेयर निकल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको मेन वाले पार्ट को कर देना है डिलीट, तो हम इसको डिलीट करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर लेंगे जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बैकग्राउंड है ना इसका म्यूजिक निकाल लेना है सबसे पहले, इसमें मतलब आपको ये म्यूजिक के साथ ही मिलेगा जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें म्यूजिक पहले से लगा होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का म्यूजिक हम म्यूट कर लेते हैं, ये जो वीडियो हमारे मतलब हमारा वीडियो है जो इसका म्यूजिक म्यूट करने के बाद इसका म्यूजिक हम करेंगे एक्सट्रैक्ट, ऑडियो पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो म्यूजिक है वो निकल जाएगा। अभी इस म्यूजिक को हम स्टार्टिंग में लेकर मतलब स्टार्ट से ले आकर रख देंगे ताकि ये स्टार्ट से स्टार्ट हो। तो ये म्यूजिक तो हमारा लग चुका है, अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपका बैकग्राउंड वाला वीडियो है ना म्यूजिक तक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। या तो आप कट कर लेना या तो आप ऐसा अपने फिंगर से स्मॉल कर लेना तो ये म्यूजिक के बराबर में आ जाएगा। तो अभी ये आ चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, म्यूजिक के बराबर हमने इसको कर दिया है। म्यूजिक के बराबर करने के बाद ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ना जो आपने डुप्लीकेट एस लेयर करा है इस पर क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसको कर देना है मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग करना दूसरा नहीं, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग करने के बाद सिंपली आपको एक पोजिशन देना है मतलब आपके वीडियो का, कि आपके वीडियो में जो भी पोजीशन आपको परफेक्ट लगेगा वो पोजीशन देने के बाद सिंपली आपको क्या करना है मतलब पोजीशन सबसे पहले दे देना है, जब आपको लगेगा पोजीशन आपका सही है तो हम लास्ट में चलते हैं मतलब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉपिंग पे चलेंगे, सबसे पहले क्रॉपिंग पे चलेंगे और यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करना आप लास्ट वाले पोजीशन पर जाने के बाद, आपकी लास्ट तक आपकी जितनी बॉडी रहेगा उतना ही क्रॉप करना, उससे ज़्यादा नहीं क्रॉप करना ताकि आपका बॉडी कटे नहीं, साइड से कटे नहीं। तो यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद फेदर को भी थोड़ा सा इंक्रेज करके छोड़ देंगे। अभी हमारा क्रॉपिंग भी हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब हमको बस एक परफेक्ट सा पोजीशन देने का है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो यार हम पोजीशन दे देते हैं बिल्कुल बढ़िया वाला पोजीशन, देने के बाद उसको हम करेंगे एडजस्टमेंट थोड़ा सा और बैकग्राउंड हाइड, क्योंकि बैकग्राउंड अभी बिल्कुल अच्छे से नहीं हाइड हुआ है तो हम इसको अच्छे से हाइड करेंगे। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ। तो पोजीशन हमने सेट कर रहा है, लास्ट में आ जाना है आपको, लास्ट वाला देख लेना एंड वाला देख लेना है, दोनों पोजीशन जब आपको एकदम सही लगेगा उसके बाद आपको छोड़ देना है वहीं पर, पोजीशन बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाना चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आता है वीडियो में, फिर लास्ट में सही नहीं लगता है। तो पोजीशन तो हमारा सेट हो चुका है ऐसा कुछ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हमको करना क्या है, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो हमारा लेयर वाला वीडियो है ना इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद चलेंगे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर। यार एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसको हम कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को हम
कुछ नहीं करेंगे, इसको जीरो ही रहने देंगे और हाईलाइट को बढ़ाएंगे, हल्का शेडो को हम कर लेंगे माइनस, थोड़ा सा माइनस, ज़्यादा नहीं, चलो इसको जीरो ही छोड़ देते हैं, माइनस नहीं करते। तो अभी हो गया इतना, मतलब हमारा वीडियो कंप्लीट बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड भी हमारा हाइड हो चुका है और वीडियो भी हमारा कंप्लीट एडिट हो चुका है। अब हमको इसमें लगाना है ट्रांजिशन इफेक्ट, उसके लिए पहले हमको वीडियो को सेव कर लेना है। तो ये जो हमारा वीडियो है आपको सबसे पहले इसको सेव कर लेना है आपके गैलरी में। और हाँ, अगर आपको मेरा वाला काइन मास्टर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरा वाला काइन मास्टर। तो अभी हमको क्या करना है, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप नया प्रोजेक्ट ले लेना, इसको छोड़ के इसको मत डिलीट करना, वैसे मैं डिलीट करके आपको बस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से हमारा वीडियो चेंज हो रहा है वहाँ पे आना है आपको, उस पोजीशन पे। तो हमारा वीडियो यहाँ से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद हमको सबसे पहले कट मार देना है, इसमें दो पार्ट में कर लेना है वीडियो को। सीजर वाले ऑप्शन पर चलेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। तो जो पहला पार्ट है आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग मार देना थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। ब्राइटनेस को मैं लो कर देता हूँ और सेचुरेशन को हल्का बढ़ा देता हूँ और ये जो टेम्परेचर है इसको भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग हो जाएगा तो वीडियो और भी जमेगा, इसके लिए मैं बोल रहा था कलर ग्रेडिंग करने के लिए। और यहाँ पे प्लस वाले मार्क पे क्लिक करना है, प्लस पे, और हमको लगाना है एक ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ट्रांजिशन इफेक्ट हम लगा लेते हैं स्टीम वाला, आपको अगर आपके पास नहीं है तो मोरवा डाउनलोड कर लेना यार इसको, स्टीम वाला। हम यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं और इसका आइडिया जो है वो बाहर निकाल लेते हैं पहले पार्ट पे क्लिक करके, और इसको कर देंगे वीडियो के लास्ट तक इंक्रेज, और इसका आइडिया कर देंगे म्यूट। तो आइडियो भी हमारा निकल चुका है, अब हमको जो पहला पार्ट है उसको हल्का सा बढ़ा देना है और दूसरे पार्ट को भी हल्का सा बढ़ा देना है। उसके बाद बस बन चुका है ट्रांजिशन इफेक्ट, लग चुका है वीडियो, एडिट हो चुका है, बैकग्राउंड हाइड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है हमारे वीडियो में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो यार वीडियो कंप्लीट बन चुका है, और वीडियो अगर आपको समझ में आया कैसे बनाए तो यार कमेंट करके बता देना, और नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना।